और आज हम बनाएंगे कुद्रुन का भरवा। यह कुद्रुन हमने धोकर रख लिया है, इसके लिए मसाले हमने दिए हैं, ये सरसों, थोड़ी सी काली जीरा और ये लहसुन। अब पहले मसाले हम सूखे मसाले पीस लेंगे। सूखे मसालों को हम एक जार मिक्सी जार में डाल देंगे। सूखे मसाले हमारे पीस चुके हैं, इसमें थोड़ी सी पानी डाल के और लहसुन डाल देंगे हम। लहसुन डाल दिया और इसमें थोड़ी सी पानी डाल के इसको फिर से पीसेंगे। ये पानी डाल दिए हैं, मसाला पीस चुके हैं और सूखे मसाले, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा और ब्लैक पेपर हम पहले पीस चुके हैं। अब हम इसको काटेंगे। तो हमने एक काट कुदरुन काट लिया, किनारे किनारे से काट के बीच से ऐसे जीरा लगा के ऐसे कर, अब इसे हम उबालेंगे। हमने एक पैन में पानी ले लिया है, इसमें हमने थोड़ी सी नमक डाल दी है। इसको उबालने गर्म होने पे इसमें हम कुदरुन डाल के उबालेंगे। हमने पानी को इंडक्शन पर चढ़ा दिया है, बॉयल आ रही है। पानी जब अच्छे से बॉयल होने लगे तब हम इसमें कुदरुन डालेंगे। पानी मेरा बॉयल हो रहा है, ऐसे करके हम सारी चीज़ों को डाल देंगे। सारी कुदरुन को कुदरुन बहुत सख्त होता है, इसमें थोड़ी नरम करने के लिए डालेंगे, नहीं तो मसाले डालते वक्त हमारा कुदरुन फट जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा इसे उबालेंगे। कलर भी देखिए कितना सुंदर हो गया, एकदम ग्रीन ग्रीन। फिर देखिए एक बड़े से बाउल में सारे मसाले हम सूखे मसाले डाल देंगे। हमारे मसाले में हम इसमें एक चम्मच मिक्स अचार डालेंगे खट्टेपन के लिए, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आधी डाल के बनाइए तभी। हम एक चम्मच इसमें मिक्स अचार डाल दिए, फिर हमारा ये भरवा जो है थोड़ा खट्टा खट्टा दिखे, खट्टा खट्टा लगे टेस्ट में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा। अब हम ये मसाले, सूखे मसाले हम डाले इसी बर्तन में पलट देंगे। इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे, ऐसे मसाले को हम भर के अपना भरवा भूनेंगे। हमने सारे मसाले एक जगह इकट्ठे करें और इसको आराम से हम इसको फेंकेंगे। सारे मसाले फेंकने के बाद हमारा मसाला रेडी हो गया। हमने जो इस मसाले में अचार डाला, आप इसे नींबू या आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। हमें तो ये मिक्स वाला अचार पसंद है, इसलिए हमने मिक्स अचार डाला है। नींबू भी डाल सकते हैं, आमचूर का पाउडर या चाट मसाला, जो आपको बेहतरीन लगे। हमारा ये कुदरुन भी रेडी हो चुका है, अब इसे छान लेंगे। हमारा कुदरुन रेडी हो चुका है, अब इसको ठंडा होने का इंतजार करेंगे। अभी बहुत गर्म है, हमारा ये ठंडा हो चुका है। अभी भी करके हम इसमें भरेंगे मसाले। हमारा भर के तैयार हो चुका है, हमने पैन भी चढ़ा दिया गैस पे, अब इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद सारे एक साथ डाल देंगे। तेल को चारों तरफ फैला लेंगे, बारीकी करके इसमें डालेंगे। हमने इसको सारे तेल में डाल दिए और इसको ढक के भूनेंगे। हम बचे मसाले को पैन में डाल के उसको फिर से भून के उसको भुना हुआ मसाला फिर से भरेंगे।
तो मसाला तब तक भूनेंगे जब तक उसके सारे तेल बाहर ना आए, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा भूनने के बाद और तेल भी बाहर आ जाएगा। देखो मैं मसाले का सारा पानी सूख चुका देखती हूँ, लेकिन इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे। हमारा मसाला भून चुका है एकदम से, हाँ मसाला रेडी हो चुका है, अब इसे भरेंगे। तब तक हवा भी ठंडा हो चुका है। दोस्तों हमारी भरवा रेडी हो चुकी है, प्लेटिंग हो चुकी है, बिल्कुल सब कुछ हो चुकी है। आप भी अपने घर पर ट्राई करिए, हमारा वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।